कार्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए और अपने मोबाइल को इनक्रिप्ट करने के लिए सबसे पहले आप सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी, आपने उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे हम एंड पे देख रहे हैं अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स। जी, ये अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें ऊपर टॉप पे दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक इनक्रिप्ट डिवाइस है और एक इनक्रिप्ट एक्सटर्नल एसडी कार्ड है। तो यहाँ पे हम अगर एसडी कार्ड को इनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। ये सबसे पहले हमसे स्क्रीन लॉक टाइप मांगेगा, पैटर्न लॉक मांगेगा कि आप सबसे पहले अपना स्क्रीन लॉक जो है वो सेट करें। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमें रिकमेंड करता है कि हम स्क्रीन लॉक के लिए पासवर्ड क्रिएट करें, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। सिंपल पासवर्ड मैं क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन आपने कुछ इस तरह का पासवर्ड रखना है जो आपको तो याद रहे, लेकिन कोई भी दूसरा शख्स जो है अगर अंदाजे से उस पासवर्ड को लगाता है तो वो उसमें कामयाब ना हो। तो यहाँ पे शो कंटेंट है, हाई कंटेंट, डिड नॉट शो नोटिफिकेशन, डू नॉट शो नोटिफिकेशंस। तो ये मैं डू नॉट शो नोटिफिकेशंस पे कर दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी शख्स जो है इन नोटिफिकेशंस को देखे जब मोबाइल लॉक स्क्रीन हो। इसको डन कर देते हैं। और अभी ये कह रहा है कि एनेबल एसडी इंक्रिप्शन बाय टैपिंग एनेबल बिलो, तो यहाँ पे हम इसको एनेबल कर देते हैं। उसके बाद ये हमें कह रहा है कि इफ़ यू टैप यस ऑल फाइल्स ऑन द एसडी कार्ड विल बी इंक्रिप्टेड, इफ़ यू टैप नो ओनली फाइल्स दैट हैव बीन क्रिएटेड ऑन दिस डिवाइस विल बी इंक्रिप्टेड। ये कह रहा है कि अगर आप यस करेंगे तो एसडी कार्ड में जितनी भी फाइल्स हैं वो इंक्रिप्ट हो जाएंगी, लेकिन अगर आप नो करेंगे तो जो मोबाइल में जो फाइल्स हैं यानी इंटरनल मेमोरी में फाइल्स हैं वो इनक्रिप्ट हो जाएंगी, जबकि जो एसडी कार्ड की फाइल्स हैं वो इनक्रिप्ट नहीं होंगी। तो हम यस करेंगे ताकि हमारी एसडी कार्ड की तमाम फाइल्स इनक्रिप्ट हो जाएं। इसके बाद ये आगे पूछ रहा है कि एक्सक्लूड मल्टीमीडिया फाइल फ्रॉम इनक्रिप्शन, इफ़ यू टैप यस मल्टीमीडिया फाइल्स विल नॉट बी इनक्रिप्टेड, इफ़ यू टैप नो मल्टीमीडिया फाइल्स विल बी इनक्रिप्टेड। ये कह रहा है कि अगर आप यस करेंगे तो मल्टीमीडिया की जो फाइल्स हैं वो इनक्रिप्ट नहीं होंगी, लेकिन अगर आप नो टैप करेंगे तो तमाम फाइल्स जो हैं वो इनक्रिप्ट हो जाएंगी। तो हम तमाम फाइल्स करना चाहते हैं तो हम सिंपल नो पे क्लिक करेंगे। ये कह रहा है कि एसडी कार्ड इंक्रिप्शन विल बी एनेबल्ड, सिलेक्टेड ऑप्शंस फुली इनक्रिप्शन द अबव ऑप्शन विल बी अप्लाइड। तो हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे हमसे पासवर्ड मांगेगा, तो हमने जो पासवर्ड दिया था हम सिंपल वहाँ पे ये पासवर्ड दे देते हैं। अभी यहाँ पे ये मैं बता रहा है कि एनेबल एसडी कार्ड इंक्रिप्शन, डिवाइस विल इंक्रिप्ट न्यू फाइल्स ऑन एसडी कार्ड, डिवाइस विल इंक्रिप्ट एग्जिस्टिंग फाइल्स ऑन एसडी कार्ड। ये हमें सारा जो है प्रोसीजर्स बता रहा है, जितनी भी ओपन फाइल्स हैं क्लोज हो जाएंगी और एसडी कार्ड जो है इस दौरान अनअवेलेबल होगा जब इनक्रिप्ट कर रहा होगा। और द एसडी कार्ड फाइल्स इनक्रिप्ट ऑन दिस डिवाइस कैन बी ओनली यूज्ड ऑन दिस डिवाइस। जी हाँ, यानी ये कार्ड जो है सिर्फ और सिर्फ आपके इसी मोबाइल में जो है यूज़ होगा। अगर कोई भी शख्स इसको दूसरे मोबाइल में यूज़ करना चाहता है, इसे डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर आप ख़ुद इसको यूज़ करना चाहें किसी दूसरे डिवाइस में तो आप इसको जो है मोबाइल से निकालने से पहले इसको डीक्रिप्ट कर दें, यानी इसका पासवर्ड ख़त्म कर दें, उसके बाद आप इसको दूसरे डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है। यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ से जो है ये हमारी डिवाइस जो है इसको रीस्टार्ट कर देगा और यहाँ से मेरा जो है वीडियो वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आप सिंपल अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारे जो तरीक़ेकार लिखे हुए ये कंप्लीट होंगे और उसके बाद आपका मोबाइल रीस्टार्ट होगा और आपका कार्ड जो है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा और आपका डाटा हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और स्क्रीन के सेंटर में आपको एंड्रॉयड की दुनिया का सर्कल नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।